मुनर फारूकी की स्टाइल मारना इतना भारी पड़ा अरुण तेलकर और चिंटू को। जैसा कि आप सब के मुनर फारूकी ने एक बड़ा सा मतलब उनका वेलकम किया गया था डोंगरी के अंदर जब मुनर फारूकी ट्रॉफी जीत कर आए, तो बस सेम वैसी करने की कोशिश की गई है चिंटू अरुण भाई और तेलकर भाई की तरफ से, जिसकी वजह से उनको ये वाली चीज बहुत ज्यादा भारी पड़ी। उनकी वाइफ खतरे में आ चुकी थी, उनको धक्का लोटी मारम पीटी ये सब कुछ हुआ उनके साथ। मैं आपको सबसे पहले वीडियो दिखाता हूँ जहां पे हैदराबाद के अंदर अरुण भाई ने एक रैली रखी थी जिसके अंदर चिंटू तेलकर और अरुण भाई थे और उनकी वाइफ भी थी, और उनके वाइफ के साथ किस तरह से बस सुलू की होती है आप सबसे पहले एक छोटा सा वीडियो देख लीजिए। तो जैसा कि आपने छोटा सा वीडियो देख लिया होगा किस तरह से ये भारी पड़ा अरुण भाई को, मतलब मुनर फारूकी की स्टाइल मारना चिंटू तेलकर, ऐसे कई सारे लोगों ने कमेंट किया कि तुम मुनर फारूकी की बराबरी नहीं कर सकते। और आप सुधा दो एक और खबर निकल कर आ रही कि वहाँ के रैली के अंदर से मुनर फारूकी के भी नारे लगे, मतलब उनके खुद के रैली में से मुनर फारूकी के भी नारे लगे। मतलब आप सुधा दो पब्लिक बोल रही है कि मुनर फारूकी की स्टाइल तुम मार नहीं सकते हो, मुनर फारूकी लेजेंड है और तुम तीनों भी मिलकर मुनर फारूकी की बराबरी नहीं कर सकते हो, तुम्हारे रैली के नाम देखने को मिला किस तरह से धक्का की सारी चीज हुई। लेकिन इसी पर आपका क्या बोलना मुझे कमेंट करके बताइए, और इसी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जरूर फैलाइए ताकि लोगों तक ये वाली इंफॉर्मेशन पहुंचे।